बिसम राहीम तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम मई स्टूडेंट्स हम कैलकुलस एनालिटिक जोमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसफ का चैप्टर नंबर फाइव दिन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 को खत्म, को नहीं, खलास करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर रिडक्शन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं तो आज का लेक्चर का आगाज मैं क्वेश्चन आराजन ट्वेंटी करूंगा इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा क्योंकि अगर आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो फिर आपको कतई तौर पर समझ नहीं आएगी हम मैंने ये प्रूफ करना है कि लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू और इसका इंटेग्रल जो है वो किसके बराबर है इज इक्वल टू दिस मच और ये रिजल्ट ड्राइव करने के बाद फिर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जीरो से फाई बाई टू कॉस ऑफ फाइव एक्स साइन ऑफ थ्री एक्स यानी इसका रिडक्शन फार्मूला पहले मैं इसके बराबर साबित करूंगा उसके बाद फिर मुझे ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ये जो मेरा इंटेग्रल है फिलहाल इसकी मैं लिमिट नहीं लेता इसको मैं आई के साथ डिनोट कर देता हूँ आई इज इक्वल टू कॉस की पावर एम इन एक्स इन साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे वाले को इंटीग्रेट करके लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ सेकेंड इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड यानी जो रकम यहां पे आई होगी वो अब यहां पे लिख देंगे इंटेग्रल ऑफ सेकेंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट पहले वाले को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे ओके okay. ओके okay. अब इस फॉर्मूले को अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर ये आ गया जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आई इज इक्वल टू तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा cos mx एक्स फर्स्ट इन टू सेकेंड इसको इंटीग्रेट करेंगे sin nx का इंटीग्रल किसके बराबर होता है माइनस कॉस ऑफ एन एक्स ओवर एन फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड यानी जो चीज यहां पे आई होगी वो यहां पे लिख देंगे यानी इसका इंटेग्रल ऑफ सेकेंड कॉस ऑफ एन एक्स ओवर एन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये जो फंक्शन है हमारे पास कॉस की पावर एम एक्स जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा पावर साइड पे आ जाएगी एक पावर कम करेंगे पावर के बगैर जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस को तो आंसर आता है माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम योर आंसर शुड बी नो नेवर, नॉट एट ऑल ये आ गया माइनस कॉस की पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस और इससे मिलके माइनस हो गया एम कांस्टेंट है एम इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, इन कांस्टेंट्स को इंटीग्रेशन के बाहर लिखें आप तो आ जाएगा m ओवर n इंटू कॉस की पावर m माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स कॉस ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स अब देखें जो रिजल्ट है वो हमें क्या चाहिए रिजल्ट में हमें कॉस की पावर एम माइनस वन चाहिए वो हमारे पास मौजूद है कॉस एन एक्स साइन एक्स की जगह पे क्या चाहिए साइन एन माइनस वन इंटू एक्स चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है कि कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो लिहाजा ये करने के लिए मैं क्या करता हूं कंसिडर 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 कर ले जी वे साइन एन माइनस वन साइन एन माइनस वन इन टू एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स माइनस एक्स आप इसके ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाए तो आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आई एम फुली होपफुल कि आपको अच्छी तरीके से आता होगा फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा तो इस फार्मूले को मैंने यहां पे यूज किया है अब स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए कॉस एन एक्स साइन एन एक्स चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसकी जरूरत है कॉस एन एक्स साइन एन एक्स की तो इसको उठाकर लेफ्ट एंड साइड में ले आए तो इधर आके ये क्या बनेगा कॉस ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स ज इक्वल टू साइन ऑफ एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स ओके ओके अब इसको जो है कॉस एन एक्स साइन एन एक्स को उठाकर यहां पे वन के अंदर पुट कर देते हैं पुट इन वन वन में पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि तादातरीन सिचुएशन हमारे पास क्या आती है ये मैंने यहां पे लिखा होता है इसको यहां पे मैंने लिख दिया है क्योंकि मैंने ये बोर्ड थोड़ा सा यूज करना है और उसके बाद आई एम फुली कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है ये भी नोट कर लिया होगा तो आइए अब जरा सब करते हैं वन किसके बराबर आ जाएगी आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस कॉस की पावर एन एम एक्स इन टू कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस एम ओवर एन एम ओवर एन इंटू कॉस की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स आगे ब्रैकेट शुरू होती है और कॉस एन एक्स साइन एन एक्स की वैल्यू क्या है ये वैल्यू ये यहां पे सब्सिट्यूट करते हैं आप तो यू विल गेट साइन ऑफ एन एक्स एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स कुछ भी नहीं किया जस्ट हमने कॉस एन एक्स साइन एक्स की ये जो वैल्यू निकाली थी इस वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर दिया अब आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस कॉस की पावर एम इन टू एक्स कॉस ऑफ एन एक्स ओवर एन माइनस एम ओवर एन इन टू अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस की पावर वन है ये एम माइनस वन है टोटल मिलके बनेगी कॉस की पावर एम इंटू एक्स और साथ आ गया ये वाला साइन ऑफ एम एक्स जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स और ये देखिए यही हमें आंसर में चाहिए था कॉस की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू डी एक्स अब ये चीज किसके बराबर है की पावर की पावर क्या आने वाला है आई आएगा तो इट वेल बिकम आई इज इक्वल टू माइनस कॉस की पावर एम इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स ओवर एन पहले इसको अलग-अलग कर दें माइनस एम ओवर एन एन टू कॉस की पावर एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस एम ओवर एन एम ओवर एन कॉस की पावर एम माइनस वन इन एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स अब इसका नाम मैं रखूंगा आई ये देखें तो दिस इज फर्दर इक्वल टू आई माइनस कॉस की पावर एम इंटू एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस एम ओवर एन इंटू आई प्लस ये एज ए चीज आ जाएगा एम ओवर एन कॉस की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स राइट राइट अगले स्टेप में इसको उठाकर जब इधर लेके आऊंगा तो इधर आके ये बनेगा प्लस प्लस एम ओवर एन इन टू आई इज इक्वल टू माइनस कॉस की पावर एम एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एम ओवर एन इंटेगल ऑफ कॉस की पावर एम माइनस वन एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन into एक्स डी एक्स अब आगे जब आप इस कैल्सियम लेंगे तो एन आई आए आएगा प्लस एम आई ओवर एन तो आई कॉमन ले लिया तो यहां पे आ जाएगा एन प्लस एम ओवर एन इंटू आई इज इक्वल टू माइनस कॉस की पावर एम एक्स ये एज इट इज आ जाएगा प्लस एम ओवर एन ये भी एज इट इज आ जाएगा कॉस की पावर एम माइनस वन एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स अब ये मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई एन ओवर एम प्लस एम के साथ मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ तो इधर क्या रह जाएगा इधर सिर्फ और सिर्फ आई रह जाएगा इज इक्वल टू ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस की पावर एम इंटू एक्स के साथ कैंसिल होगा डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और यहां से कैंसिल इधर आ जाएगा ओवर और ये वाला इंटेग्रल एज इट इज कॉस की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स ओके ओके अब आई किसके बराबर था आई था इसके बराबर कॉस ऑफ एम एक्स साइन एनएक्स के बराबर तो आइए अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं आई की जगह पे आ गया पुट वैल्यू ऑफ आई एंड टेकिंग लिमिट साथ ही लिमिट भी ले, ले लेते हैं एक स्टेप बच जाएगा हमारा टेकिंग लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू तक अब i की वैल्यू क्या है cos mx एक्स कॉस एम एक्स, एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स ये आई की वैल्यू पुट कर दी और साथ ही मैंने लिमिट भी ले ली जीरो से लेकर पाई बाई टू तक तो फिर इधर भी क्या आएगा माइनस को बाहर लिख लें आप कॉस की पावर एम इंटू एक्स कॉस ऑफ एन एक्स ओवर एम प्लस एन लिमिट हमारी है जीरो से लेकर पाई बाई टू तक प्लस एम ओवर एन एम ओवर एम प्लस एन सॉरी जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर एम माइनस वन इन एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स राइट अब हम यहां पे लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड आंसर है ये वाला आने वाला है दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू कॉस की पावर एम इंटू एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू जब अपर लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो के बराबर तो तो आ गया लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस जीरोगा वन के बराबर आ जाएगा माइनस आ गया लोअर लिमिट पुट करेंगे ये कॉस ऑफ जीरो तो कॉस जीरो किसके बराबर होता है वन तो वन की पावर एम वन के बराबर तो टोटल आंसर आ गया वन ओवर एम प्लस एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये एम प्लस वन एम प्लस एन एज इट इज आ गया प्लस एम ओवर एम प्लस एन लिमिट जीरो से लेकर फाइव बाई टू तक स की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स ओके ये माइनस माइनस से मिलकर क्या बन गया प्लस इज इक्वल टू वन ओवर एम प्लस एन प्लस एम ओवर एम प्लस एन यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूफ करना था तो हमने इसका रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर लिया अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इवेल्यूएट करना है जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर फाइव एक्स इन साइन ऑफ थ्री एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू हमने इवेल्यूएट करनी है तो लिहाजा मैं यहां पे क्या करूंगा पुट करूंगा एम की जगह पे फाइव और एन की जगह पे थ्री नाउ सी व्हाट विल हैपन इट विल बिकम जीरो से लेकर पाई बाई टू कॉस की पावर फाइव एक्स आ गया साइन थ्री एक्स आ गया ठीक है जी इसी को वैल्यूएट करना था इज इक्वल टू ये वन ओवर एम प्लस एन एज इट इज चलेगा प्लस एम ओवर एम प्लस एन यहां पे सबसे होगी जीरो से फाइव बाई टू अब एम की जगह पे जब आप फाइव फुट करेंगे तो फाइव माइनस वन आपका आंसर आ गया फोर और एन की जगह पे जब आप थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन आंसर आ गया टू है टू के बराबर साइन टू एक्स राइट साइन टू एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स मशहूर मारूफेमेट्रिक का फार्मूला है यह फॉर्मूला पुट करके इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं वन ओवर एम प्लस एन प्लस एम ओवर एम प्लस एन जीरो से पाए बाई टू कॉस की पावर फोर एक्स डी एक्सो डीएक्स अभी नहीं लिखते हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले टू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स अगले स्टेप में दिस इज फर्दर इक्वल टू एम प्लस एन प्लस एम ओवर एम प्लस एन लिमट जीरो से पाई बाई टू ये जो टू है इसको बाहर ना निकाल लूं और ये कॉस और कॉस मिलके बन जाएगा कॉस की पावर फाइव इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स एक और काम करते हैं कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है तो फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाने के लिए ये जो प्लस है इसको मैं माइनस कर देता हूं और ये माइनस में अंदर ले जाता हूं ऐसे करके और फार्मूला क्या है मेरे पास फार्मूला है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है उसकी पावर एन है पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फार्मूला है पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर ऊपर आएगी वही नीचे आएगी फॉर्मूला तब एप्लीकेशन एप्लीकेबल है इफ एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन तो अब ये देखेंगे दे, कॉस की पावर फाइव पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके ऊपर मैं अब क्या करने वाला हूं इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करने वाला हूं लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू तक कॉस की पावर फाइव एक्स साइन ऑफ थ्री एक्स विल बी इक्वल टू वन ओवर एम प्लस एन माइनस टू एम ओवर एम प्लस एन अब पावर उल लगाया तो ये क्या आ जाएगा कॉस की पावर ऊपर क्या आ जाएगी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू तक ज फर्दर इक्वल टू वन ओवर एम प्लस एन माइनस टू एम ओवर एम प्लस एन पहले अपर लिमिट प्रट करेंगे कॉस फाइव बाई टू की पावर सिक्स माइनस लोअर लिमिट प्रट करेंगे कॉस ऑफ सिक्स की पावर जीरो कॉस जीरो की पावर सिक्स सॉरी यह आ गया डिवाइडेड बाई सिक्स वन ओवर एम प्लस एन माइनस टू एम ओवर एम प्लस एन कॉस फाइव बाई टू जीरो के बराबर आ गया और जीरो की पावर सिक्स जीरो के बराबर ही आएगा कॉस जीरो वन के बराबर ओवर सिक्स ये टू इसके साथ कैंसिल होगा वन ओवर एम प्लस एन ये माइनस और माइनस मिलके प्लस एम ओवर थ्री इन टू एम प्लस एन तो ये है जी आपका आंसर तो अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वन ओवर एम प्लस एन कॉमन ले सकते हैं यह आंसर ठीक है यहां तक लेकिन अगर आप मजीद आगे हल करना चाहते हैं वन ओवर एम प्लस वन को कॉमन लिया वन ओवर एम ओवर थ्री आ गया फिर इसका कैल्सियम लेंगे तो ये आ जाएगा थ्री प्लस एम ओवर थ्री तो दूसरे लफ्जों में थ्री प्लस एम ओवर एन प्लस एम इंटू थ्री ये भी आपका आंसर ठीक है गलती मैंने कर दी मैंने जब ये एम इज इक्वल टू फाइव और एन इज इक्वल टू थ्री पुट किया था तो यहां पे मैंने सब्सिट्यूशन ही नहीं की तो यहां पे भी क्या आएगा एम की जगह पे फाइव एन की जगह पे थ्री फाइव प्लस फाइव प्लस थ्री तो वन ओवर एट तो ये आ गया फाइव ओवर एट वन ओवर एट टू कॉमन निकाला तो ये टेन बन जाएगा टेन ओवर एट अगले स्टेप में ये बनेगा इट इट इज़ इज़ फोर आ जाएगा फाइव बाई फोर ठीक है तो इसको जरा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो लिख देता हूं आपको ये ये एज एड से चलता जाएगा फाइव बाई फोर सिक्स इससे मल्टीप्लाई होके फाइव ओव ट्वेंटी फोर आ गया इसका एल्शियम लिया एट ओव ट्वेंटी फोर तो कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया आपका वन बाई थ्री राइट इसका आ, लें और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म फिनिश खल्लास अगर आपने हमारा लेक्चर मुकम्मल तौर पर वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू वेरी मच अगर नहीं किया तो ब्राय मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखिएगा अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा अल्लाह हाफिज़